श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। आप सभी श्याम प्रेमियों को एक बार फिर जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, पूजा पाठ से जुड़े हुए आज एक और सवाल के साथ आपके सामने हूँ। किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भगवान की पूजा कितने देर में कर लेनी चाहिए, मतलब पूजा जो पाठ है वो कब से कब तक नहीं करनी चाहिए, और सुबह की पूजा कब तक कर लेनी चाहिए, शाम की पूजा कब तक कर लेनी चाहिए। तो ये सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ, चूंकि आपने प्रश्न पूछा है तो मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर आप प्रातःकालीन पूजा करना चाहते हैं भगवान की, तो सुबह सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा के लिए उठ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, सुबह 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप नित्य क्रम जो होते हैं वो नित्य क्रम करने के बाद आप स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य भगवान को जल आप दे सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त की पूजा सबसे ज़्यादा फलदायी होती है। उसके बाद ये कहा जाता है कि 8 बजे से पहले पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए, और 8 बजे के बाद जो लोग स्नान करते हैं उसे राक्षसी स्नान का नाम दिया जाता है। परंतु 8 बजे से पहले पहले स्नान करके अगर भगवान की पूजा कर लेते हैं तो भगवान की विशेष कृपा बनती है। ऐसा नहीं है कि 8 बजे के बाद आपकी पूजा नहीं लगेगी। अगर आपका कोई विशेष काम है या कुछ ऐसा काम रह गया है जिसके कारण से आप 8 बजे तक नहीं नहा पा रहे, तो कोशिश करके आप दोपहर 12 बजे से पहले पहले आपको भगवान की पूजा इत्यादि कर लेनी चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है, शास्त्रों में ये बताया गया है कि दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक पूजा नहीं करनी चाहिए। ये ध्यान में रखने की बात है, दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक मंदिर या अपने घर में पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस समय भगवान विश्राम कर रहे होते हैं, यानी भगवान का विश्राम करने का समय होता है। आप अगर विश्राम कर रहे हैं और कोई आके आपको जगा दे या कोई आपको डिस्टर्ब करे तो आपको कैसा फील होगा? तो इसलिए आपने देखा होगा कई मंदिरों में दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक मंदिर के पट मंगल रहते हैं, तो इसी कारण से मंदिर के पट मंगल रहते हैं। अब बात करते हैं शाम की पूजा की। तो मंदिर जो होता है शाम 4 बजे के बाद खुल जाता है। आप अपने घर में भगवान की जो पूजा होती है वो सूर्य अस्त होने के बाद भगवान को दीपक जरूर जलाएं, और दीपक जलाने के बाद आप भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि करने के बाद उनकी आरती और ज्योत जरूर जलाएं। इससे भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और संध्या की जो पूजा होती है आपको 9 बजे के अंदर तक पूजा कर लेनी चाहिए। वैसे संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद भी आपको दीपक जला लेनी चाहिए अपने घर में। सांझ का समय होता है, संध्या का समय होता है, अपने घर में पूजा पाठ करने के बाद जो आपने ज्योत जलाई है, दीपक जलाई है, उसे तुलसी माता को दिखा दीजिए। अपने बाहर जो घर के आंगन में जो संध्या का समय होता है वो ज्योत को दिखा दीजिए। इससे जो भी घर में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं, और भगवान की एक विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। तो इन विशेष बातों को आप ध्यान में रखें और भगवान की पूजा इसी तरह से समय पर करें तो आपके घर में खुशियों की बहार छा जाएगी। कभी कभी हम ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, हम कोई समय पाबंद नहीं है, हमारे मन में जब आ रहा है तब हम पूजा पाठ करते हैं, जब मन में आ रहा है जो कर रहे हैं। तो इन सभी के कारण से हमें आने वाले समय में, जो कि हमारी जिंदगी अभी अच्छे से चल रही है, तो हम इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। परंतु जब दुख की घड़ी आती है तब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, भगवान से कैसे प्रार्थना करें, भगवान से कैसे क्षमा याचना करें। अगर हमारे साथ जब कोई परेशानी होती है तब हम भगवान को याद करते हैं, तो ऐसी हमें कोई गलती ही नहीं करनी चाहिए जिसके कारण से इस तरह से भगवान हमसे नाराज हो जाए, हमसे क्रोध हो जाए, क्रोधित हो जाए और हम पे अपनी कृपा ना करें। तो भगवान की कृपा हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं, पूजा पाठ भी आप इसीलिए करते हैं ताकि भगवान की सदा आपके और आपके परिवार के ऊपर कृपा बनी रहे। तो इस तरह से आप भगवान की पूजा करिए,
देखिएगा कुछ ही दिनों में आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा बनेगी। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम।